सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी नेगी आप सभी को अपने YouTube चैनल ऑफिस ऑफ सोनी में स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में अपने कामकाज से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी अपने शॉप से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे कैमरामैन है मेरे देवर जी, आप देख सकते हैं उनको। प्लीज हमारे चैनल ऑफिसर सोनी नेगी को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखो हमारी भाभी जी ने देखो कितने अच्छे अच्छे सूट सलवार कितने अच्छे अच्छे बना रखे देखो। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन हैं आज मेरे देवर जी, जिनका नाम है प्रदीप राणा जी। ये देखो ब्लाउज देखो कितना सुंदर बना रखा देखो। प्लीज सपोर्ट जरूर करना। अरे भाभी जी हमारे भाभी जी क्यों हो आ जाओ क्या बन जा। ये स्कूल ड्रेस तैयार कर रही हूँ मैं। अच्छा जी तो कितने टाइम में बना देते भाभी जी आप? बन जाएगा अगर बैठी रहूंगी तो। एक दो घंटे तीन घंटे तो एक दो घंटे थोड़ी। अच्छा भाभी जी बहुत मेहनत करते हैं हमारे। ये देखो ये मैंने एक सलवार तैयार कर रखा है और मुझे तो अच्छा लगा। इस पे देखो कितनी सारी वो निकाल रखी है मैंने कली, आप देख सकते हैं। देखिए सलवार है और ये इसको बेल्ट है, नाड़ा घर बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने पैंचे पे ये वाले डिज़ाइन निकाल दिए हैं, मोटे वाले पैंचे हैं इसके है। इसके साथ का कुर्ता आप देख सकते हैं, इस पे मैंने बोर्ड गला निकाल के और इसको अम्ब्रेला बाजू में देखो फ्रिल वाले बाजू में। ये देखो यहाँ पे मैंने दोनों कुर्ते एक जैसे दोनों ड्रेस एक जैसे तैयार कर रखी है। और उसने भी सेम इसको देख के ऐसा ही बोला था, ये बोट गला और ये फ्रिल वाले बाजू। और इसके भी वैसे ही हैं फ्रिल वाले बाजू। देखो दोनों सूट मेरी एक जैसी है क्योंकि ये थान का कपड़ा मेरे पास ही था, अभी भी है यहाँ पर है देखिए अभी भी है मेरे पास वो थान का कपड़ा। और दोनों सूट एक जैसी तैयार कर दी है मैंने। अब मैं घर आ गई हूँ, देखा तो टीनू सौरभ के साथ खेल रहा है देखो। आज मैंने टीनू को सजा दे रखी है कि ऊपर नहीं आना है। और देखते हैं टीनू का क्या हुआ, गलती क्यों की तूने? देखो कैसे आ रहा है ये, नहीं ले जाना है तेरे को, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है तेरे को, नहीं ऊपर नहीं ले जाना है, नहीं 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 ले जाना है। चलो सर चलो चलो नहीं ले जाना है इसको, इसको नहीं ले जाना है ऊपर, नहीं तो पहले आप किसी को लो, किसी को लो, चलो किसी को लो। गलती करेगा करेगा गलती, नहीं मैं नहीं ले जा रही इसको, मैं नहीं ले जा रही, मैं नहीं ले जा रही इसको। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, नहीं आना है मेरे पास, नहीं आना है मेरे पास, नहीं आना है, नहीं आना है मेरे पास, नहीं आना है, नहीं आना मेरे पास, नहीं आना है। गलती करेगा करेगा गलती करेगा गलती गलती करेगा। देखो ये टीनू कैसे आ रहा है मेरे पास, नहीं आना है मेरे पास, नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। चल उधर हो जा, मैं कट्टी हूँ तेरे से, कट्टी हूँ मैं तेरे से, नहीं नहीं आना है। चल चलो चलो ऊपर चलो 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 सबके सब ऊपर चलो, ऐसे कर ली, आ जा चलो चलो आ जा हाथ दो हाथ दो हाथ दो मुझे हाथ दो, देखो फिर से करें, आ जा हाथ दो हाथ दो हाथ दो मुझे, इन्हों मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, हाथ दो हाथ दो मुझे हाथ दो हाथ दो। हाँ मैं बच ली हो। इस पर मैंने ये कितना सुंदर डिज़ाइन निकाल रखा है बैगल। यह है मेरी मशीन और इससे मैंने ये ब्लाउज सिल दिया है देखो। इस पर मैंने ये कितना सुंदर डिज़ाइन निकाल रखा है बैग गले का डिज़ाइन। ये साड़ी है इसके साथ की और ये ब्लाउज़। और मेरे पास ये साड़ी नहीं तो छोटी पड़ जाती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही निकाला इससे कपड़ा और इस पर लगा दिया है। नहीं तो मैंने ये जो पीछे का यहाँ पे भी ऐसे कलर के ये लगाने थे,
इस कलर के, जैसे साड़ी है उसी के कलर के बनाने थे मैंने, लेकिन हमारे पास साड़ी छोटी हो जाती इस वजह से मैंने इसको, जैसे ये दो एक कलर के हो गया, ये एक अलग कलर का, फिर ये दो एक कलर के हो गए, ये अलग कलर का, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया है। और आप लोग भी इसी तरीके से अपने ब्लाउज वगैरह कुछ भी चीज़ को सजा सकते हैं। अगर हमारे पास ये कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो हम इसको भी कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है, ये देखो दो ब्लू एक वैसा, फिर ये जैसा ये है वैसा ये इधर अभी आ गया, और फिर ये दोनों ब्लू के बीच में एक ये, फिर यहाँ भी वैसा ही है, इनके बीच में एक ये और ये दो ब्लू, कुछ इस तरीके से हम अपने ब्लाउज़ को एक अच्छा सा नया लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरी साड़ी तैयार हो गई है, साड़ी और ब्लाउज़ किसी ने सिलवाने के लिए दे रखे थे, इसलिए किसी ने सिलवाने के लिए दे रखा था। और आपको तो पता ही है मैं सिलाई का काम करती हूँ, और मैं यूट्यूब चैनल तो मैंने अब खोला, लेकिन मैं पहले से ही एक नए नए गले का डिज़ाइन तैयार करती हूँ और अच्छे अच्छे न्यू डिज़ाइन में सिलती रहती हूँ। और अब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि मैंने कैसे सिल रखा है। और अब मैं ये सूट तैयार हो चुकी है मेरी एक, अब मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ, और कुर्ता तैयार कर दिया है, और इस पर मैंने बोट गला आगे पीछे एक जैसा होता है ये बोट गला, और इस पर मैंने थ्री कट लगा के इसको एक अच्छा सा नया लुक दे दिया है। और यहाँ पे देखो बाजू में भी कुर्ते की पट्टी लगा के, देखो वैसे ये प्लेन बाजू था लेकिन ऐसे में अच्छा लग रहा है। हम अपने सूट को किसी भी अच्छी सी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और उसको एक अच्छा सा नया लुक दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो पीछे का पल्ला है, ये जो पीछे का पल्ला है इसको अस्तर के साथ चिपकाने में मुझे इतनी परेशानी हुई, क्योंकि पतला कपड़ा है, आप देख सकते हैं एक चुन्नी टाइप का कपड़ा है ये पतला सा, और इसमें अस्तर एकदम जल्दी से नहीं अटकता है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन तभी भी मैंने इसको तैयार किया है।